स्थानिक स्कैनिक वाला मान की बात की मैं बात करेंगे तो यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ें क्या पता करना होता है, मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको इसमें पता क्या करना है, ए से जेड तक शॉर्टेज रूट, तो इसको हम बेसिक में आपको बताना चाहेंगे। ये तो रेलवे का टेस्ट है, रेलवे का टेस्ट देखिएगा तो थोड़ा आप समझिएगा, कुछ टाइम लग सकता है। एक इसको मैं वो अप डाउन कर लूँ तो थोड़ा देखिए इस टाइप के आता है। लेकिन अगर इसको बेसिक समझना है तो आपको एक एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए ये एक्सेल शीट है, मैं इसको थोड़ा सा और आपको कन्वीनियंट के लिए दिखाने के लिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये एक्सेल शीट इस टाइप से है, जिसमें ए से लेकर लेटर, देखिए ये लेटर ही आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि लेटर से ही काम करना होता है। और 8 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी एक सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 प्रश्न है, यहाँ पे आप एक से लेकर 10 तक प्रश्न है। उसी तरह इसमें 4 सेट होगा, यानी अभी ये डिटेल में है, हो सकता है बाद में चेंज भी हो जाए, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसमें करना क्या है, देखिए ए से लेकर लेटर, ए से शुरू हो रहा है और एक कॉर्नर का प्रतिनिधित्व है, यहाँ से लेके आपका लेटर यहाँ तक होता है। तो सबसे पहला कंडीशन आपको याद रखना है लेटर, बक्सा आपका एक, देखिए एक एक बक्से अगर मैं कहूँ कलर करूँ, कोई कलर मैं ऐसे करूँ तो आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये सब एक एक बॉक्स है, बॉक्स से हमें कुछ लेना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं बता दूँ ये समझने के लिए थोड़ा सा, मैं ये आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल जाए इसलिए ज़रूरी है कि ये करता हूँ। अभी बॉक्स में देखिएगा तो इधर की तरफ 7 बॉक्स और नीचे की तरफ 6 बॉक्स है। कलर आप कर लेंगे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा और कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा इसका कंसेप्ट। कलर करने से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, फिर मैं कलर हटा दूंगा यहाँ से, एक मिनट कलर हटा दूंगा, फिर आपको समझने के लिए मैं ये कलर कर देता हूँ। चलिए ये कलर हो गया। अब ये बक्से में अगर देखेंगे ना तो आपको करना क्या होता है, इसमें ये 2 आइटम है, देखिए यहाँ पर एक सर्कल, सर्कल जहाँ रख जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेसिक में बता रहा हूँ, सर्कल जहाँ भी लग गया समझिए उस रास्ते को यहाँ से कॉपी में करता हूँ और मैं कह देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ इसे पेस्ट। ये सर्कल को मैं यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ पे देखो आप मैं लगा दिया यहाँ पे। अब ये ए से जेड तक नहीं आ सकता आदमी, अब ए से जेड आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसे ए से पहले बी आएगा और बी से ऐसे मूव करके जेड तक जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ए से बी होते हुए जेड तक तो आ गया, लेकिन यहाँ तक आपको डिफाइन नहीं हुआ कि किस रास्ते से आएगा। यानी एक मैं प्रश्न यहाँ पे लिखता हूँ, ए से जेड तक जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता, ये खाली इतना ही लिखता है आपको क्वेश्चन में, ए से शॉर्टेस्ट रास्ता, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या है, सबसे नज़दीक का रास्ता और कौन सा रास्ता से गुजरेगा या बिल्डिंग से गुजरेगा, कुछ भी नाम देगा वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 1 रास्ता लिखा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको क्या किया था, ये रास्ता को तो ब्लॉक कर दिया, ए से जेड नहीं आएगा। तो दूसरा चीज़ है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये बिल्डिंग हो सकता है, रास्ता हो सकता है, या जो प्रश्न में लिखा हुआ है इसका ये नाम ले लीजिएगा इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स को भी मैं एक कॉपी करता हूँ और एक बार मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कहीं भी आप कर लीजिएगा, मैं एक बार पेस्ट करता हूँ समझाने के लिए। और इस बक्सा को पुल डाउन करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बेसिक, तब आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक लगाया है। तो आपका एक सैंपल बन गया, प्रश्न संख्या 1 है, यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है आपको कहाँ से, ए से जेड तक जाना है। अभी एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन रहा है, अभी थोड़ा सा डीप में आएंगे तो समझिएगा, ए से शुरू करके जेड तक आना है। तो ए से जेड तक तो आपको देखते ही रहना है, लेकिन जेड के बीच में ब्लॉकेज है ये देखना है। दूसरा रास्ता क्या बनेगा, ए से बी आएगा, बी से यहाँ तक आएगा और जेड तक जाएगा, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं चला रास्ता क्या है। तो ध्यान दीजिए ए ब्लॉक है ना, ए ब्लॉक में लिखा हुआ रहेगा 2, ध्यान से एक मिनट इसको मैं बोल्ड करते जाऊँ, एक मिनट इसका लेटर ना थोड़ा सा बड़ा करते जाएँ तो समझ में आएगा आपको। मैं देखिए अब 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न का थोड़ा सा सिंपल पूरा हो गया है, ए से जेड तक जाना है, 0 वाला रास्ता ब्लॉकेज है, यहाँ से आएगा ए से बी आएगा, बी से ऐसे होके जी तक जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या इसके नियम है। अगर मैं इस ब्लॉक को एक और तरीके से लगा दूं, मैं ध्यान दीजिएगा 2 को मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ, एक मिनट देख लीजिएगा, मैं इस वाले ब्लॉक को यहाँ से कर देता हूँ
कट। अब देखिए यहाँ से कट हो गया, और लेकिन पेस्ट कर देता हूँ यहाँ इस कोने में। क्या कंडीशन सेम है? अभी दो रास्ते से जाए, रास्ते टू से जाएगा डेढ़ जेड तक। तो देखिए यहाँ से ए से बी तक आके यहाँ केवल कॉर्नर से टच हो रहा है। तो रूल क्या कह रहा है? कॉर्नर से टच होगा तो इस रास्ते से नहीं गुजरेगा, यानी यहाँ तक नहीं जाएगा। लेकिन इसको ध्यान देना है कि जब यहाँ पे ये फिगर आ गया, बीच में कोई और फिगर नहीं है, तो ए से लेके ये रास्ता कैसे बनेगा? ए बी इस रास्ता को चुनेगा, फिर वाई आएगा, तब जेड जाएगा। ये शॉर्टेस्ट रूट है, ध्यान दीजिएगा। इसकी एक कम से कम कोई भुजा टच होनी चाहिए, कॉर्नर पे टच होगा तो कोई वैल्यू नहीं है। एक रूल, एक मिनट इसे हटाता हूँ, दूसरा रूल की बात बताता हूँ। अब दूसरा रूल है कि अगर कहीं पे ये कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, मैं इसको ले लेता हूँ कॉपी, इसी को कॉपी ले लेता हूँ, या इसी को मैं यहाँ से उठाता हूँ। ये पड़ा हुआ है लाइन एकदम बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे, ध्यान से देखिएगा, ये कॉर्नर पे, रास्ते के कॉर्नर पे पड़ा हुआ है ये। तो इससे रास्ते में कोई अंतर नहीं पड़ती है। और एक मैं इसको और सिंपल लगा दूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि एक मिनट में फिर सारे 10 प्रश्न हम कर देंगे आपको। यहाँ पे अगर एक और पेस्ट कर दिया जाए, समझ लिए बेसिक को, और ये दोनों आसपास हो जाए ऐसे इस तरह से, तब भी जो ए से जेड आना है, और एक ब्लॉकेज यहाँ भी दे दीजिए, यहाँ से कॉपी करके इस पे पेस्ट यहाँ पे। अब बताइए कैसे जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब ए से दोनों रास्ते के बगल में हैं, यानी सर्कल दोनों के बगल में है, या अवरोध जिसको कह सकते हैं बगल में है, तो ए बी होते हुए आराम से जेड तक जा सकता है। लेकिन ए बी जब यहाँ दो को भी टच करना है तो यहाँ से जेड तक जाएगा। तो क्या नियम आपने सीखा? जिसे सर्कल है इसे अवरोध कहते हैं, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये सर्कल लाइन से साइड बाई साइड है, उस कंडीशन में वो रास्ता मान्य होगा। आयत में या रेक्टेंगल में कॉर्नर टच नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक होनी चाहिए। तीसरी रूल यहाँ पे और ध्यान रखिए, तीसरी रूल ये है कि इसमें कोई भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में अगर दो रास्ते बराबर हो रहे हैं, उस कंडीशन में कम से कम मोड़ वाला, जिसमें कम टर्न होगा, वो रास्ता शॉर्टेस्ट माना जाएगा। तीसरी के बाद चौथी रूल ये है कि अगर इस रास्ते में जाते वक्त, रास्ते से जाते वक्त इस फिगर में अगर दो रास्ते मिलते हैं, जैसे यहाँ पे दो लगा दिया मैंने, यहाँ पे एग्जांपल और दिला देता हूँ, यहाँ भी एक रास्ता है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू इन्होंने दिया है तीन, साइज बड़ा करता हूँ एक मिनट, इसकी वैल्यू है रास्ते नंबर का तीन। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और दब गया, तीन। अब बोलिए ये किधर से जाएगा? यहाँ से तो जा नहीं सकता क्योंकि दो से टच नहीं कर रहा है। तो ए से बी शुरू होगा, बी से टू से आएगा, टू से थ्री जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आंसर में आपको ऑप्शन क्या देना है? एक ही देना है, या तो दो दे सकते हैं या तीन दे सकते हैं। तब आपको रास्ते चूज करने पड़ेंगे कि इसके रास्ते अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए से बी होगा, बी से इस सर्किट में टू के सेट करेगा, और यहाँ से एक्स से लेके जेड तक आ जाएगा। अब ध्यान देखिए कितना चेंज हुआ पैटर्न में। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर दो रास्ते एक ही में मिल रहे हैं तो आपको वैसे रास्ते को चुनना है जिसमें से केवल एक रास्ते टच हो पूरी तरह से। अगर ये रास्ता अगर किसी कॉर्नर में होता, मैं मान लूँ कि इसी को मैं एक मिनट मान लूँ, ये कॉर्नर में होता, यहाँ पे होता, तो आप इस रास्ते यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ नहीं सेम एक मिनट थोड़ा मूव करने में दिक्कत हो रहा है, मैं इस पार कर दूँ इस बाउंड्री के यहाँ पे, तब ये यहाँ से आता ए से बी होते हुए दो रास्ते से मुड़ के ये कॉर्नर टच करते हुए वाई से जेड चला जाता। यानी कंसेप्ट आपको पता हो गया सारा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट एक है, अवरोध को क्रॉस नहीं करेगा, दो अवरोध साइड बाई साइड है तो उसको क्रॉस करेगा, तीसरा कॉर्नर टच करेगा अगर आयत का तो उस रास्ते का काउंट नहीं होगा, रास्ते फुल एक साइड
कोई भी चारों भाग में से एक फुल साइड टच होनी चाहिए और एक बार में दो रास्ते क्रॉस नहीं करेगा। ये बेसिक नियम है, अगर इसको कर लिए तो देखिए मैं प्रश्न करके यहाँ दिखाता हूँ। ये रेलवे का प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिएगा थोड़ा सा, मैं एक बार इसको आपको इधर की तरफ हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसमें देखिए पांच में से एक टेस्ट है, कैसे जल्दी जल्दी करना है। पहला प्रश्न पूछा है ए से जेड तक, तो देखिए कर्जर देखिएगा, मेरा कर्जर ए से बी आएगा, बी से सी आएगा, सी से यहाँ डायरेक्ट नीचे आएगा, यहाँ एक रास्ता एक क्रॉस किया, यहाँ से डब्लू आएगा, डब्लू से जेड आ जाएगा, यही है। अगर कोई और रास्ते से आएगा तो बीच में ब्लॉकेज है और बीच में कॉर्नर वाला ब्लॉकेज है, उसको भी क्रॉस नहीं कर सकता। जब साइड बाय साइड देखिए यहाँ साइड बाय साइड है, साइड बाय साइड क्रॉस कर गया। दूसरा रास्ता कहता है कि ई से एस तक जाना है, ई से एस तक में तो आपको देखिए सबसे पहले तो मार्क करना पड़ेगा आपका ई कहाँ है, तो ई यहाँ पर है ऊपर में, एक मिनट, सबसे ऊपर में देखिए ई है यहाँ पर, और आपका एस यहाँ पर है टी के पहले। तो ई से एस तक आने के लिए ऊपर से नीचे ही आना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ तक सीधा आ सकता है, ई से लेकर पांच वाले रास्ते से लेकर यहाँ तक आ सकता है, और ये देखिए कॉर्नर के नीचे है ये पे, तो यहाँ से ये क्रॉस करेगा, इस रास्ते से आते हुए डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा एस पे। तो कौन रास्ता से जाएगा, पाँच से जाएगा। तीसरा प्रश्न है पी से जेड तक जाना है, देखिए पी से जेड तक जाने के लिए यहाँ पी बना हुआ है, पी से जेड तक, जेड आपको याद होना चाहिए कहाँ था, यहाँ पर देखिए जे तक, तो जे देखिए यहाँ पे है पी इस नीचे साइड में, एक मिनट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, हाँ यहाँ देखिए पी है नीचे के साइड में और जे यहाँ पे है, तो पी से अप डाएगा, यहाँ पे देखिए दो रास्ते आ रहे हैं, पी से जाएगा, अगर यहाँ तक जाएगा तो यहाँ कॉर्नर पे टच हो रहा है, दो का कोई भाग टच नहीं हो रहा है, यहाँ मुड़ेगा, यहाँ मुड़ेगा, के आएगा, जे जाएगा, यही एक शॉर्टेज रूट है। तो इसको रास्ता नंबर क्या बोलिएगा, तीन बोलिएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न भी से के तक जाने के लिए, देखिए भी आपको याद होना चाहिए, देखिए यहाँ है और के यहाँ है, यहाँ तक कैसे आ सकता है, देखिए भी से ऊपर जा नहीं सकता, नीचे से इधर जाएगा तो ब्लॉकेज है, सीधा यहाँ से निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, दो रास्ते से आया और यहाँ से निकल के यहाँ पे के पे आ जाएगा, तो रास्ता कौन सा हो गया, टू हो गया। उसके बाद आपके देखिए पांचवे में ओ से एफ तक, वो आपको याद रहना चाहिए, यहाँ है और एफ सबसे ऊपर है, तो यहाँ से सीधा ऊपर यहाँ तक जाएगा। देखिए रास्ता कितना आसान है, इस रास्ते को चार नंबर रास्ते को फॉलो करेगा, चार नंबर बिल्डिंग को फॉलो करेगा और एफ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद देखिए सिक्स में देखिए जी से एम तक, जी से एम तक, तो यानी जी अगर यहाँ पे देखे, जी यहाँ पे है, एम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो देखिए ऊपर से जी से एम तक आएगा तो यहाँ अवरोध है, इधर से आएगा तो इधर भी अवरोध है, तो इसे लेफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ चार नंबर रास्ते हुए फॉलो करते हुए एम आ जाएगा, चार के रास्ते से यानी चार से ही जाएगा। उसके बाद अगला रास्ता अगर बात करेंगे तो अगला, एक मिनट देखें ओ से अगला कौन सा है, सी से डब्लू तक, तो सी से डब्लू तक में देखिए सी कहाँ है, यहाँ पर है ऊपर में और डब्लू आपको यहाँ पे है, तो सी से डब्लू तक यही रास्ता फिर से फॉलो करेगा, इस वाले में आएगा सी से डब्लू तक, कौन सा एक नंबर ही रास्ता फॉलो करेगा, क्योंकि देखिए इस रास्ते में कोई मोड़ नहीं है, एक ही मोड़ होके डब्लू आ रहा है, तो सबसे कम मोड़ वाला भी रास्ता आपको देखना होता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एफ से टी तक, एफ यहाँ है और टी कहाँ पर है, नीचे यहाँ कोने में, तो एफ से टी तक आने में देखिए इधर से आएगा तो ब्लॉकेज, कई सारे रास्ते मुड़ेंगे, यहाँ से आएगा, यहाँ भी ब्लॉकेज मिलेगा, तो देखिए यहाँ से आएगा, इस रास्ते को पांच को फॉलो करेगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से आके ये रास्ता फॉलो करेगा, बाकी कोई रास्ता में सब में ब्लॉकेज है, नीचे भी ब्लॉकेज है, इसलिए और कोई रास्ते से जा ही नहीं सकता। यानी एफ के केस में यहाँ पर इसको, यहाँ पे एफ से टी के केस में आने के लिए इसको बहुत मोड़ है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है कि इसके अलावा कोई और रास्ते से चला जाए, तो ये शॉर्टेज रूट एफ से टी तक कौन सा होगा, तो पाँच हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए क्यू से सी तक, नाइन नंबर, क्यू कहाँ है आपका, क्यू देखिए नीचे इधर है और सी सबसे ऊपर है, ऊपर साइड में, तो क्यू से सी तक जाने के लिए देखिए सबसे रूट हमारा सबसे सीधा रास्ता यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसके ऊपर सीधा चला जाएगा सी तक, तो इस बीच वाले रास्ते को कितनी बार क्रॉस किया, ग्रैंड ट्रक रोड बन गया ये, तो ग्रैंड ट्रक रोड में से ही जाके सारा पहुंचा। उसके बाद दसवां नंबर एन से एच तक, तो एन से एच तक जाने के लिए एन यहाँ है, एच ऊपर है, लेकिन इसके बीच में एक दो तीन हर्डल है, तो क्या करिएगा आप, इसको लेफ्ट मोड़ेंगे, यहाँ से चार वाला सीधा रोड पकड़ेंगे,
फिर मुड़ेंगे, यहाँ मुड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएंगे। तो यानी रास्ता इन से लेके वहाँ तक जाने के लिए चार ही होगा, क्योंकि और देखिए इधर से आइएगा तो इधर ब्लॉकेज, इधर जाइए इधर ब्लॉकेज, इधर ब्लॉकेज, इधर ब्लॉकेज, यानी एक ही रास्ता ऊपर जाने का है, ये चार वाला, इसके अलावा कोई और नहीं रास्ता है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब था, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि सर्कल और इसके कॉर्नर तीनों को अगर सही से आपने प्रयोग कर लिया, आप इस प्रश्न को आराम से कर पाएंगे। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कहाँ है। देखिए लेटर की शुरुआत यहाँ से होती है, राइट साइड में ऊपर कॉर्नर से, यहाँ से देखिए ए राइट साइड के कॉर्नर से शुरू होती है, और यहाँ से देखिए अगर मैं लेटर चलने की दिशा बता दूँ, एक बार ध्यान रखिएगा, मैं कलर कोई और ले लेता हूँ, ए बी, इसको याद रख लीजिएगा एकदम बिल्कुल, सी डी ई, ऐसे ही F G H I J K L M N O P Q, लास्ट में यहाँ के फिर से Z मैच करेगा, यानी A Z सबसे नज़दीक होगा। इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कितने मिनट में करने हैं प्रश्न पता है, ये 10 प्रश्न आपको 2 मिनट में करने हैं। इसको आपको कंसेप्ट में ध्यान रखना है, 10 प्रश्न करने के लिए आपको एक से लेके 10 तक का प्रश्न करने में आपको मात्र 2 मिनट मिलने वाले हैं एग्जाम में, तो ये प्रैक्टिस करना है। थैंक यू, धन्यवाद।